हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रतीक आजादी। आज हम आ रखे हैं नेक्सा मारुति सुजुकी नेक्सा एसके यूनिवर्स बुलंदशहर, और आज हमारे सामने खड़ी है बलेनो का भाई बेस वेरिएंट। ये सबसे पहले भाई इसकी की देख लो, नॉर्मल सी बेसिक की आपको मिल जाती है इस गाड़ी के साथ। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके फ्रंट से, फ्रंट में हम जैसे ही आते हैं यहाँ पे आपको मैट ब्लैक फिनिश के अंदर आपको बाइक ग्रिल देखने को मिल जाती है, या सुजुकी का आपको क्रोम कलर के अंदर लोगो देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें हेडलाइट सेटअप की यार, तो इसके अंदर बेस वेरिएंट से ही आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, सिंगल प्रोजेक्टर देखने को मिलता है जिसके अंदर भाई आपको हेलोजन बल्ब आपको देखने को मिल जाते हैं, इंडिकेटर्स यहाँ आपको देखने को मिलते हैं, फॉग लाइट्स इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलती। कंपनी से ही भाई आप एसेसरीज के अंदर फॉग लाइट्स अगर अपने आराम से डलवा सकते हो। साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें, साइड प्रोफाइल में भाई आपको मिलते हैं 185/65 R15 के टायर प्रोफाइल, जो कि भाई आपको मिलते हैं सिर्फ स्टील रिम के साथ। फेंडर पे आपको इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, ब्लैक मैट फिनिश के अंदर आपको साइड मिरर्स देखने को मिलते हैं, जो कि भाई आपको अंदर से मैनुअल ही एडजस्ट करने पड़ेंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आप देखते हैं तो आपको इसके अंदर जो डोर हैंडल्स हैं वो आपको मैट ब्लैक फिनिश के अंदर ही देखने को मिलते हैं, जो कि अपनी की से आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। बाकी भाई सेंटर लॉकिंग तो आपको दे ही रही है कंपनी, तो ऐसे कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। ऊपर आपको भाई इसके अंदर एंटीना देखने को मिल जाता है, हाइट विड्थ लेंथ और ग्राउंड क्लियरेंस आपको साइड में मेंशन मिल जाएगी। तो यहाँ हम देखें तो गाड़ी की भाई जो लेंथ है अपने हिसाब से भाई काफ़ी बढ़िया है। इस कंपटीशन में जो गाड़ी आती है देखें तो एल्ट्रोज भी आती है, पंच भी आती है, बहुत सारी गाड़ी आती है। अगर हम देखें सिर्फ इसका बजट 10 लाख के अंदर अंदर की गाड़ी आ जाती है, इनके टॉप मॉडल्स भी यही बलेनो खड़ी है और फ्रॉन्क्स खड़ी है। अब यार आपके ऊपर है, अगर आपको थोड़ी सी चाहिए ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा और थोड़ी सी गाड़ी होनी चाहिए प्रीमियम, तो आप जा सकते हैं फ्रॉन्क्स के ऊपर भी, और अगर आपको चाहिए थोड़ी सी एरोडायनेमिक्स के अंदर ज़्यादा अच्छी गाड़ी तो आप बलेनो के ऊपर भी जा सकते हैं। रेयर प्रोफाइल में अगर हम आएँ, रेयर प्रोफाइल में यहाँ पे आते ही आपको कुछ ऐसी इसके अंदर लुक्स आपको देखने को मिल जाती हैं। बलेनो की आपको बैजिंग देखने को मिलेगी, यहाँ आपको टेलेट जो देखने को मिलती है वो आपको हेलोजन टेलेट देखने को मिल जाती है, इंडिकेटर एंड रिवर्स लाइट यहाँ आपको देखने को मिलती है, रिफ्लेक्टर आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, चार पार्किंग सेंसर्स आपको देखने को मिलते हैं, इसके अंदर आपको कैमरा देखने को नहीं मिलता है, नीचे आपको टो हुक देखने को मिल जाता है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको देखने को मिलता है, यहाँ मिल जाते हैं डिफॉगर्स, स्पॉइलर आपको कंपनी फिटेड ही आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ से अगर हम बूट को ओपन, तो बूट ओपन करते ही आप देख सकते हैं भाई कितनी ही लाजवाब इसके अंदर आपको स्पेस देखने को मिलती है। पार्सल ट्रे बेस मॉडल में आपको देखने को नहीं मिलती है, 60-40 स्प्लिट आपको देखने को मिल जाता है, 18 लीटर के भाई इसके अंदर बूट स्पेस भी आपको देखने को मिल जाती है। स्पेस वाइज गाड़ी के अंदर कोई इशू नहीं आने वाला है, यहाँ देखें तो यहाँ भी अच्छी खासी स्पेस है, बहुत डीप है भाई। तभी आप देखो तो इसकी जो बॉडी इस बार जो बनाई गई है ना, काफी वाइड बॉडी है, क्यों? क्योंकि अंदर से आपको थोड़ी स्पेस और देखने को मिल जाती है, जो कि आपके ही फायदे की भाई चीज में है, ठीक है। तो यहाँ देखें, अगर हम इसकी देखें भाई स्टेपनी, तो जो स्टेपनी है आपको इसके अंदर सेम साइज के अंदर देखने को मिलती है, 185/65 R15 स्टील रिम यहाँ मिल गए हैं स्टील रिम्स। अब चलते हैं भाई एक बार गाड़ी के अंदर, और यार मेरे हिसाब से जो इस बार जो इसकी बूट है या इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना, पिछले मॉडल्स के हिसाब से भाई काफ़ी बढ़ा दी गई है। जैसे अगर आप आते हैं शोरूम्स में आते हैं, इग्निस को भी आप देखें, फ्लॉन्क्स को भी देखें, बलेनो को देखें, या किसी और गाड़ी को भी देखें, तो आपको हल्का महसूस ये होगा कि बिल्ड क्वालिटी के अंदर काम इस बार सुजुकी के जरिए किया गया है। इंटीरियर में एक बार हम चलते हैं, इंटीरियर में यहाँ से हम देखते हैं डोर ट्रिम, जैसे आप देखेंगे डोर को ओपन करते ही तो आपको ये ब्लू एंड ब्लैक टच के अंदर आपको इंटीरियर देखने को मिलता है, मिल जाता है भाई ब्लू। भाई ये जो टेक्सचर है ना, ये अपना ब्लैक पार्ट में ही रहने वाले, जैसे ये अपना हार्ड प्लास्टिक है, सेम ये ब्लू के अंदर है। यहाँ आपको फैब्रिक देखने को मिल जाता है, चार पावर विंडोज देखने को मिल जाती है, लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है, यहाँ से आप कोई भी इसके अंदर एडजस्ट साइड मिरर्स नहीं कर सकते हैं। यहाँ अगर हम सीट की बात करें, सीट आपको भाई इसके अंदर बकेट सीट्स आपको देखने को मिलती है कंपनी फिटेड, चलो इसके अंदर हेडरेस्ट आपको देखने को मिल जाता है, इसमें आपको कोई हाइट एडजस्टेबल सीट्स आपको देखने को नहीं मिलती है। अब चलते हैं भाई एक बार गाड़ी के अंदर, और गाड़ी के अंदर चलकर एक बार देखते हैं कैसी है कुछ अंदर की स्पेस। लो जी, यहाँ से हमने कर लिया है अपने हिसाब से एडजस्ट, और गाड़ी के अंदर हम जैसे ही हम आए हैं, ब्लू एंड कार्बन फाइबर सिल्वर फिनिश एंड ब्लैक टच के अंदर काफी बढ़िया काम किया गया है। यहाँ देखेंगे एसी वेंट्स आपके ब्लैक फिनिश कार्बन फाइबर फिनिश के अंदर है, यहाँ आपको सिल्वर फिनिश मिलता है, एंड यहाँ आपको ब्लैक टच आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। स्टेयरिंग व्हील आपको बेसिक से मिलेगा, कोई इसमें कंट्रोल आपको देखने को नहीं मिलते हैं, कंट्रोल का यहाँ बटन देखने को मिल जाता है भाई, ऑटो स्टार्ट स्टॉप वाला बटन मिलता है, यहाँ से आप अपनी हेडलाइट वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ देखें तो बूट एंड फ्यूल लिड का भाई यहाँ पे ऑप्शन बटन वगैरह मिल जाता है, ये बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ पे अपने आपको जब आप कॉइन होल्डर वगैरह आप देखना चाहें तो भी भाई अपने आराम से इधर रख सकते हैं, तो ये भी स्पेस हमने काफ़ी अच्छी दी गई है। यहाँ से करें हम एक बार गाड़ी को ऑन, तो आप ये देखें
यहाँ से कुछ अपना ऐसा इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के साथ साथ स्पीडोमीटर आपको देखने को मिलता है। यहाँ कुछ अपना ऐसा स्पीडोमीटर इसके अंदर देखने को मिलता है भाई, इसलिए अपना सारे गियर्स वगैरह को सारे बता देता है। यहाँ पेट्रोल भाई, यहाँ सब कुछ अपना सारा मतलब बढ़िया फीचर दिया गया। अगर आप बेस वेरिएंट पे लेना चाहें तो बेस वेरिएंट पे बिना कुछ सोचा समझा आप ले सकते हैं। यहाँ म्यूजिक कंट्रोल सिस्टम वगैरह कुछ अपना नहीं भी देखने को मिलता है। आफ्टर मार्केट आपको डलवाना पड़ेगा। यहाँ देखे तो ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल आपको भाई मिल जाता है। भाई ये जो फीचर है ना, ये जो कंपनी जो इसके अंदर दे रही है बहुत बढ़िया है। यहाँ देखे आईआरवीएम जो है आपका मैनुअल एडजस्टेबल है। टिकट होल्डर को इधर देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ ये अपना सनशेड हम इसको कह सकते हैं। और यहाँ देखें तो इधर भी भाई अपना कुछ इधर देखने को नहीं मिलता है। ग्लव बॉक्स की बात करें, ग्लव बॉक्स अपना काफी अच्छी स्पेस के साथ आ जाता है। दो कप होल्डर देखने को मिल जाते हैं। 12 वोल्ट का यहाँ सॉकेट देखने को मिलता है। यहाँ पे आप आफ्टर मार्केट चार्जिंग वगैरह कुछ भी अपना लगवा सकते हैं। यहाँ देखें तो अपने कुछ इधर स्पेस है। हैंडरेस्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे अपने कॉइन होल्डर वगैरह आप देख सकते हैं। 5 गियर का मैनुअल गियर बॉक्स आपको देखने को मिलता है। अभी मिलता है भाई ब्लैक इसके अंदर टच के अंदर ना, तो ये काफी ये बेकार लगता है। इसको आप बाहर से अपग्रेड करवा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ये तो आप अपना करवा ही सकते हैं। इसके अंदर जो भी स्पीकर्स हैं भाई, सिर्फ आगे के 2 स्पीकर्स दिए गए हैं, पर ये अपना सिस्टम नहीं दिया जाता, तो कोई भी म्यूजिक सिस्टम इसके अंदर नहीं है। अपने फ़ोन से भाई यहाँ पर रख के बजाना पड़ेगा अभी तो गाना, जब तक आप इसको अपडेट नहीं करवाते हो। आज चलते एक बार रेयर सीट पर। रेयर सीट पर चल के एक बार देखते हैं रेयर सीट का अपना कम्फर्ट कैसा रहने वाला है। यहाँ पर हम आए हैं अपनी सीट के हिसाब से, जैसे मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखा है, मैं उस हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखेंगे 60-40 स्प्लिट तो आपको देखने को मिल जाता है। जो इसका जो सीट का जो साइज है ना यार, थाई सपोर्ट आप देखो कितना ही बढ़िया है, शानदार है। यहाँ देखें तो जो नी रूम है, नी रूम अपना कुछ इतना सा बचता है। क्यों? क्योंकि ये 6 फिट के हिसाब से, फिर मैंने उसको रिक्लाइन भी कर रखा है वो देखें। और ये देखें जो हेडरेस्ट है इसके, भाई तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, 3 दिए हैं, तो 5 सीटर प्रॉपर ये कार कहला जा सकती है। यहाँ देखें तो हम पे तो बीच में बच्चा अपना आराम से बैठ सकता है। यहाँ थोड़े बहुत स्पेस आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप यहाँ पर चार्जिंग पे लगाते हैं 12 वाट के सॉकेट के साथ, तो अपना फोन अपना आराम से आप रख सकते हैं। हैलोजन लाइट आपको यहाँ सेंटर में आपको देखने को मिलती है। यहाँ अगर मैं बैठूँ इस साइड में, तो यहाँ से आप प्रॉपरली पता लगा सकते हैं कितनी ही बढ़िया स्पेस आपको उसके अंदर देखने को मिल जाती है। नीरूम अपना अच्छा खासा है, थाई सपोर्ट अपना अच्छा खासा है, हेडरूम काफ़ी अच्छा है। तो इस बार भाई गाड़ी जो है काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। बेस वेरिएंट को उठा के आप अपने टेस्टफुल हिसाब से मॉडिफाई अपना कर सकते हैं। तो ये सारी फीचर मैंने आपको दिखा दिए। यहाँ पे पार्सल ट्री भी आप अपना कंपनी से लगवा सकते हैं एडिशनली एसेसरीज में। अब चलते हैं एक बार हुड की तरफ और देखते हैं इंजन स्पेक्स क्या रहने वाले हैं गाड़ी के और एक्स रूम क्या रहने वाला है। बोनट हम ओपन कर चुके हैं भाई। 1.2 लीटर का भाई इसके अंदर इंजन आपको देखने को मिलता है। CNG वेरिएंट भी भाई इसके अंदर आता है, और वो भी भाई 1200 cc के साथ ही आता है। अगर हम जानना चाहें इस गाड़ी की एवरेज पेट्रोल के अंदर वो मिलती है इसकी, और CNG में आपको मिलती है 30 पर किलोमीटर kg के हिसाब से जो CNG का होता है, ठीक है। तो बाकी अगर हम देखें तो 4 सिलेंडर अपने इंजन इसके अंदर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे भाई सारे इंसुलेशन के साथ आपको देखने को मिलता है, जो कि भाई आपको पता है अगर कोई गाड़ी नीचे से पत्थर थर लगते हैं तो इंजन को ये काफ़ी सपोर्ट ही कर देता है। यहाँ से अगर हम बात करें इसके प्राइस की, तो स्टार्टिंग हो जाती है 6.61 लाख से, जो कि जाती है 10 लाख एक्स शोरूम तक। तो भाई गाड़ी के हिसाब से भाई 6-7 लाख रुपए में अगर आपको ये गाड़ी मिलती है तो भाई बहुत बढ़िया डील है। अगर आप चाहते हैं बेस्ट डील तो आप आ सकते हैं इसके यूनिवर्स, ठीक है। और अब हो गया, थकान हो रही है। अगर आप चाहते हैं बेस्ट डील तो आप आ सकते हैं इसके यूनिवर्स, और नीचे भाई लिंक वगैरह सारा आपको डिस्क्रिप्शन में सारा मिल जाएगा। नंबर आपको भाई यहाँ स्क्रीन पर मैंशन हो रहा है, तो बेस्ट डील आप यहाँ पे आके ले सकते हैं। वीडियो करते हैं भाई वीडियो एंड, वीडियो देखने का धन्यवाद। लास्ट में चीज बोलते हैं जय श्री राम, जय श्री राम भाई, डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।